आप देख रहे हैं मैं तिंदवारी कस्बे में खड़ी हूँ और ये भगवती नगर है। और 13 नवंबर 2022 को लगभग दोपहर के बच्चा खो गया था, जिससे आज उसकी डेड बॉडी इस तालाब में मिली हुई है। और ये बताइए, यहाँ पर बहुत सारी भीड़ भाड़ लगी, क्या हो गया है? क्या हो गया है, बच्चा का दुर्घटना हो गई। दुर्घटना हो गई है? किसका बच्चा है? मैया दीन का नाती है। हाँ, नाती है। और कितने साल का बच्चा है? ढाई साल का है। ढाई साल का। वहीं पर बहुत सारी वहीं पर खोया है और वहीं पे लाश में पुलिस वालों ने भी मतलब खोजा है, गोटा खोरों ने भी देखा है, वहाँ कुछ नहीं, ये कल का डाला हुआ है। कल का डाला हुआ। हाँ। वो बच्चे की बॉडी किस तरह से थी? बच्चे की बॉडी में गला घोट करके मारा गया है, उसकी जीभ बाहर थी, यहाँ छाले पड़ गए हैं पेट में, बाकी बॉडी पूरी नहीं है। एक बहुत ही सघन अपराध है जिसने भी किया है, और ऐसा महसूस होता है डेड बॉडी देखने के बाद कि उसे मार करके फेंका गया, क्योंकि जहाँ पर डेड बॉडी थी वहाँ पर वो बच्चा नहीं जा सकता, क्योंकि आगे कीचड़ है, अगर वहाँ से घुसता तो कीचड़ में पहले धंस जाता किनारे पे ही। इसलिए देख करके ऐसा लगता है, आज हमारा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आया था। ये अमन साहू नाम का लड़का था, अयांश नाम का लड़का जो ये गायब था, घर गए, घर में उनसे बात की थी और घटनास्थल देखने आए। घटनास्थल देखने के बाद वहाँ पर कहाँ पर बच्चा घूम रहा था, कहाँ से उधर गए, जैसे हम लोग आगे बढ़े तो एक कुतिया किनारे पर कुछ खा रही थी और बार बार सूंघ रही थी इधर उधर। निषाद जी की, हमारे स्कूल सांसद जी की नज़र पड़ी, सांसद जी ने हमसे कहा कि विधायक जी जरा देखिए ये क्या डेड बॉडी लग रही है, क्या बच्चे की। जब गौर किया तो लगा कि ये बच्चा ही है। इंस्पेक्टर को हमने बुलाया था फोन करके, इंस्पेक्टर आए थे आए मौके पर और जब देखा तो उसकी डेड बॉडी को निकाला गया और वो बच्चा है। जब उसकी डेड बॉडी मिली है तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन और बांदा SP भी मौजूद है। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।